भी इतना शक्तिशाली है जिसने माँ के ही दंड को अपने अंदर समा लिया। भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवार दे, सारे संकटों से शिवी है उपार दे। महादेव हे प्रभु, अच्छा हुआ आप ध्यान से जाग गए, अब आप ही इस परिस्थिति को संभाल सकते हैं। देखिए स्वामी, महादेव की समाधि टूट चुकी है, अब वो अपने पुत्र और इस स्थिति को अवश्य ही संभाल लेंगे। मुझे भय है कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई, क्योंकि इस बालक ने प्रभु ब्रह्मा, प्रभु विष्णु, अन्य सभी देवता और उनके साथ साथ उन सभी का अपमान भी किया है जो महादेव के प्रिय हैं। महादेव सब कुछ सह सकते हैं, किंतु अपने भक्तों का कष्ट कभी नहीं सह सकते। जिन तपस्वी पर कड़कड़ाती धूप, भयानक आंधी या मूसलाधार बारिश, इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ता। उनका हृदय अपने भक्तों का कष्ट देखकर करुणा से भर जाता है। सखा ब्रह्मदेव, मेरे कैलाश पर आपका इतना असम्मान हुआ, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए सखा। मैं समय रहते नंद, श्रृंगी और अन्य सभी की रक्षा नहीं कर पाए। मेरे भक्तगणों का इतना बड़ा तिरस्कार, इतनी उद्दंडता, इस बालक ने अभद्रता की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। अब मुझे इसके अहंकार का अंत करना ही होगा। हट नहीं किया करते और अपनी भूल स्वीकार करके कभी से क्षमा मांग लो। क्षमा और मैं कभी नहीं। बालक, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे क्या कहना चाहिए और मुझे क्या नहीं कहना चाहिए, वो सिखाने वाले आप कौन होते हैं? यदि आप सबने मेरे सत्य का सम्मान नहीं किया तो उसका उत्तर ये डंडा देगा। शिवम नमामि हे उमापति जनीले।
कंठ जय अनंत मोस्तुते नमोस्तुते। भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिविर उबारते। इस स्थान की रक्षा कर, परंतु याद रहे जब तक मैं बाहर वापस ना आ जाऊं, मेरे स्नान ध्यान में कोई भी व्यवधान ना पहुंच पाए।
जिसे वो अब तक केवल एक हटी और उद्दंड बालक समझ रहे थे, वे माँ पार्वती का पुत्र था जो केवल अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहा था। परंतु अब माँ की उस संतान की मृत्यु उसी के पिता के हाथों हो गई। ये नियति का सबसे क्रूर खिलवाड़ था और इसका अंत कैसे होने वाला था कोई नहीं जानता था। ये बालक बार बार अपनी मां की बात कर रहा था, कहीं इसकी मां देवी पार्वती तो नहीं? तो क्या अब तक हम मां पार्वती के पुत्र से युद्ध कर रहे थे? इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया हमसे? जिस बालक को पाने के लिए माँ ने इतनी कठिन तपस्या की, वो हमारे कारण, वो भी अपने पिता के हाथों। जब माँ को ये सब पता चलेगा क्या होगा तब? ऐसा नहीं हो सकता, देवी पार्वती के साथ ये नहीं हो सकता। इतने लंबे समय के बाद, इतने कठोर तपस्या के फल स्वरूप उन्हें ये पुत्र मिला था। काल इतना क्रूर नहीं हो सकता कि वो देवी पार्वती से इतने शीघ्र उनका पुत्र छीन ले। ये सब आपके दृष्टि के कारण? वक्र दृष्टि से मेरे पुत्र को देखने का साहस भी कैसे किया आपने? पार्वती, मुझसे ऐसा कैसे हो गया? ये प्रश्न आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं महादेव? करने आए थे ना, ऐसे किया आपने धर्म की रक्षा? उस बालक के पास ना तो अस्त्र था ना शस्त्र,
आपके सामने महादेव के त्रिशूल से प्रहार हुआ और आपने उन्हें रोका तक नहीं। क्यों स्वामी? क्यों स्वामी? क्यों स्वामी? और आप ब्रह्मदेव? आप नारायण को सुदर्शन धारण करने से तो नहीं रोक पाए, तो महादेव को प्रहार करने से कैसे रोकते? इन पर क्रोध करने से लाभ ही क्या? वास्तविक दोष तो मेरे पति और इनके भाइयों का है। बालक ने कुछ देर अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्या कर दिया, इन्होंने तो उसे अपना शत्रु ही मान लिया। अपने सिंहासन की रक्षा करने के लिए इन्होंने सारी सीमा ही लांघ दी। अब पूरे ब्रह्मांड में भी ऐसा कोई स्थान नहीं जहां ये छिपकर अपनी रक्षा कर सके। न जाने कितना भयंकर परिणाम होगा देवी पार्वती के क्रोध का जब उन्हें अपने पुत्र के वध के बारे में ज्ञात होगा।